मुड़ी काटने वाले, तेरी माई ने अगर दूध पिलाया है छाती का, राजेंद्र सिंह यादव का पहला सिर काटो, मैं संविधान और देश के लिए कटाना चाहता हूँ। मैं राजनीति भाषा में नहीं बोल रहा हूँ, राजनीति भाषा में बात करने वाले ये पंचशील के झंडा पर आकर खड़े नहीं होते हैं। वीरता के साथ, हिम्मत से साथ मैं कहता हूँ, आपका अगर पसीना बहेगा, मैं पहले इस देश में मनुस्मृति को खत्म करने के लिए, इस देश में मनुवादियों को मिटाने के लिए और उसके बाप का बाप ईरान इराक में भेजने के लिए हम संकल्पित है और अपना लहू भी बहाने के लिए तैयार। तेरी रामायण को नहीं मानता, तेरा मानस को मैं नहीं मानता, ये भारत मेरा है, मैं भारत का संविधान और भगवान बुद्ध को मानता हूँ। तेरी हिम्मत है तो जो करना हो कर लेना। हिंसा होने लगे, जब अत्याचार होने लगे, जब जुर्म होने लगे, जब समझो कि हमारी जान नहीं बचने वाली है, तब करोड़ों जान को भी मिटाकर संभालने में कोई फर्क नहीं है। यही बुद्ध का सच्चा संदेश है। उन्हें 25 लाख 51 लाख रुपए का कई मठों से और कई संतों के द्वारा, साधुओं के द्वारा, गुंडों के द्वारा मुड़ी काटने के लिए कहा जाता है। आपसे मैं पूछता हूँ, अगर ये मेरा भारत अशोक का भारत होता, बुद्ध का भारत होता, बाबा साहब का भारत होता, तो उसकी हिम्मत नहीं होती कि तलवार से आज मुंडी काटने का हमारा बात करता। बताइए बात सत्य है कि नहीं है, तो बताइए। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, कौन सा भारत रखना चाहते हो आप? क्या तुलसीदास का भारत रखना चाहते हो, राम का भारत रखना चाहते हो, या भारत के संविधान निर्माण करने वाले बाबा साहब अम्बेडकर का भारत रखना चाहते हो? बताओ। अगर बाबा साहब अम्बेडकर का भारत रखना चाहते हो तो आज बताओ, चैलेंज दे दो यहीं से। मैं कोई उत्पात नहीं मचा रहा हूं, मैं कोई यहां सेंटिमेंट नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये सारी घटनाओं को मैं बारीकी से जब देखा और समझा है, तो मैं एक नाम जोड़ रहा हूं, आदरणीय भंते जी, मैं एक नाम जोड़ रहा हूं उसमें कि मुड़ी काटने वाले, तेरी माई ने अगर दूध पिलाया है छाती का, राजेंद्र सिंह यादव का पहला सिर काटो, मैं संविधान और देश के लिए कटाना चाहता हूं। आप कटाओगे कि नहीं कटाओगे मुझे पता नहीं है, आप जिस हालात में बुद्ध का जयंती मनाओगे, बुद्ध सम्मेलन करोगे, मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं आज कहना चाहता हूं, आप मुझे वादा करो कि आप पुराना सम्राट अशोक का भारत लाना है कि नहीं लाना है, अंबेडकर का भारत लाना है कि नहीं लाना है, भगवान बुद्ध का भारत वापस लाना है कि नहीं लाना है, और दुश्मनों को बाप के घर में भेजना है कि नहीं भेजना है? भेजना है, भेजना है, बोलिए ऊंची आवाज से। वादा है, वादा है, पक्का? एक गाना सुना था हमने, वादा किया तो निभाना पड़ेगा, वादा किया तो, वादा किया तो, ऊंची आवाज में बोल दो तो मैं मानूंगा, वादा किया तो, वादा किया तो, आप वादा करो और मैं भी वादा करता हूं। सुमित्रा दत्त जी, मैं भी वादा करता हूं, बाबा साहब के पौत्र यहां उपस्थित है, मैं वादा करता हूं कि अगर कहीं पसीना अगर आपका निकलेगा, मैं राजनीति भाषा में नहीं बोल रहा हूं, राजनीति भाषा में बात करने वाले ये पंचशील के झंडा पर आकर खड़े नहीं होते हैं। वीरता के साथ, हिम्मत से साथ मैं कहता हूं, आपका अगर पसीना बहेगा, मैं पहले इस देश में मनुस्मृति को खत्म करने के लिए, इस देश में मनुवादियों को मिटाने के लिए और उसके बाप का बाप ईरान इराक में भेजने के लिए हम संकल्पित है और अपना लहू भी बहाने के लिए तैयार है। हम ज्यादा नहीं कहना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे वक्ता हैं जो आज धर्म के बारे में बोलेंगे, धर्म देशना की बात करेंगे, बाबा साहब के 22 प्रतिज्ञा की बात करेंगे, लेकिन 22 प्रतिज्ञा की मैं बात तो नहीं कहता, लेकिन मैं यहाँ इस आज एक मर्द आदमी, मर्द का बेटा, जो राजेंद्र पाल गौतम के इस्तीफा के बाद, मंत्री के इस्तीफा होने के बाद, कुकदमा होने के बाद, पहला भारत का बेटा सुमित्र दत्त ने बौद्ध धर्म का चीवर पहनकर ऐलान किया, कांसीराम स्टेडियम लखनऊ में किया, और कहा कि राजेंद्र पाल गौतम का तुमने अगर पनिशमेंट दिया है, सजा दिया है 22 प्रतिज्ञा का, तो सुमित रत्न 5 लाख लोग के साथ मैदान में खड़े होकर के 22 प्रतिज्ञा का दोहराएंगे और दोहराने का काम किया। मैं धन्यवाद देता हूं इस भारत के वीर सपूत को, और आज भी मैं इस मंच के माध्यम से, इस सभा के माध्यम से, आज भी इंटेलिजेंसी ब्यूरो के लिए यहां उपस्थित है, मेरा नाम नोट कर लो। आज भी मैं दावे के साथ कहता हूं, 22 प्रतिज्ञा का तो समय मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं दावा के साथ कहता हूं, तेरी रामायण को नहीं मानता, तेरा मानस को मैं नहीं मानता, ये भारत मेरा है, मैं भारत का संविधान और भगवान बुद्ध को मानता हूं। तेरी हिम्मत है तो जो करना हो कर लेना। बहुत समय का अभाव है और बहुत कम समय में अपनी बात हमें करनी थी, इसलिए अगर मेरी ये बात से
मैं कभी कभी इमोशन या आगे अभी होगा तो मुझे माफ करिएगा, हमारे धर्म में कभी इमोशन नहीं है। लेकिन भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि जब हिंसा होने लगे, जब अत्याचार होने लगे, जब जुर्म होने लगे और जब समझो कि हमारी जान नहीं बचने वाली है तो करोड़ों जान को भी मिटाकर संभालने में कोई फर्क नहीं है। यही बुद्ध का सच्चा संदेश है। जय भारत, जय बुद्ध, जय बाबा साहब अम्बेडकर, जय संविधान।